तो एक बार वो भगवान से बातें कर रही थी, तो किसी ने उनके जेठ जी राड़ा से कह दिया जाके कि देखो मीरा जी किसी से बातें कर रही हैं, कोई छुप छुप के पुरुष आता है, जब से भोजराज नहीं रहे हैं तब से मीरा जी के कक्ष में कोई आ रहा है, आप जाके बातें सुन लो। तो जब देखा के उन्होंने और कान लगा के सुना तो कुछ आवाजें आ रही थी, हाँ कुछ बात हो रही है, और जब मुख्य दरवाजा खोला तो मीरा जी समाधिस्थ थी। तो मीरा जी से कहा कि कौन था इस कमरे में बताइए, किससे अभी तुम बातें कर रही थी, ढोंग कर रही हो, मैंने जब प्रवेश किया तो आंखें बंद कर ली, ढोंग कर रही हो, किससे बातें कर रही थी बताओ। तो मीरा जी ने कहा कि सामने गिरधर खड़े हैं फिर भी तुम्हारे प्रश्न हैं कि मैं किससे बातें कर रही थी, पूरा कक्ष ढूंढ लिया, पूरा महल ढूंढ लिया, कोई नहीं मिला, लज्जा तो आई लेकिन राणा सुधरे नहीं। और इसके बाद उनको जहर दिया, मीरा जी को एक वैद्य से जहर बनवाया और मीरा जी को जहर दिया गया। देखिए भक्त कभी मरता नहीं है भक्त, और अगर कोई भक्त के साथ बुरा कर भी दे, मान लो प्रारब्ध बस हो सकता है। अब मीरा जी से ये कहा कि ये भगवान का चरणोदक है, पंचामृत है, तो मीरा जी तो ये सोच के पान कर गई तो विष से कुछ हुआ नहीं उनको। तो जिस वैद्य से वो जहर बनवाया था तो उन्हीं को वो जहर पिलाया गया, ये कहा कि अगर तुमने जहर दिया होता तो मीरा जी मृत्यु को प्राप्त हो जाती, इसका मतलब ये जहर है ही नहीं, तुमने मेरे साथ छल किया है, मीरा के जेठ ने कहा। तो वो जहर कहा अगर ये जहर था तो तुम पी कर दिखाओ। अब भाई उनका शासन था तो उनको पीना पड़ा, और जब पिया तो वो वैद्य मृत्यु को प्राप्त हो गया, और जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ तो पूरा परिवार जो था वैद्य का वो मीरा जी के चरणों में गिरा कि आप ही इनको जिला सकती हो, क्योंकि वो लोग जानते थे कि विष का पान इन्होंने किया, इन्हें कुछ नहीं हुआ तो ये भक्ति हैं। तो कहते मीरा जी पद गायन करने लगी, हरे कृष्ण 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 करते 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 वो नृत्य करने लगी, और करते करते जब उनके नेत्र खुले तो देखा कि वो वैद्य जी जो मर गए थे वो उठ के बैठ गए। तो जब ये वहां पर लिखा हुआ है कि जब मीरा की ये प्रसिद्धि को देखा राजस्थान में तो वहां पे लोग उनको पूजने लगे, उनको मानने लगे, और उसके बाद में उन्होंने जब इस तरह उनको सताया, कभी जहर दिया जा रहा, कभी शेर भेजा जा रहा है, तो कभी लालचन लगाया जा रहा, संतों के पास बैठने से रोका जा रहा है, तो वो दुखी होके वृंदावन आए और वृंदावन से वो द्वारिका चलेंगे। और द्वारिका में एक दिन संकीर्तन करते 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 गर्भ गुहा के जो पट थे वो खुल जाते हैं, और उसमें प्रवेश किया, जो लोग द्वारिका गए होंगे उन्होंने दर्शन किया होगा, और मीरा जी नृत्य करते करते जैसे ही उसमें प्रवेश करते हैं पट बंद हो जाते हैं और मीरा जी कृष्ण भगवान के हृदय में समा जाते हैं। आज भी अगर कोई देखेगा तो द्वारिका में जो मंदिर है वहाँ पर जहाँ मीरा जी उनके हृदय में समाई हैं, तो आज भी जो अपने गले में उन्होंने ऐसे दुपट्टा डाल रखा था वो भगवान के हृदय से बाहर निकला हुआ है। तो इससे ही पता चला कि वो मीरा जी कृष्ण भगवान में समा गए, इससे पता चला, नहीं तो पता ही नहीं चलता कि वो हैं कहाँ, वो चली कहाँ गई, इसके भीतर जाने के बाद गई कहाँ, लेकिन भगवान ने उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया।